सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। एट्थ क्लास में आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 20, दो समान वृत्तों ए बी की आंतरिक स्पर्श रेखा खींचो जो दूर स्थित हो। कल हमने दो समान वृत्त और जो दूर स्थित थे का बाह्य स्पर्श रेखा खींची थी, आज हमने इनकी आंतरिक स्पर्श रेखा खींचनी है। तो कल जैसे हमने किया था, मैं आज भी वैसे ही इनके पहले केंद्र ले लेता हूँ, दो ये ए और ये मैं ले लेता हूँ बी केंद्र, और मैं इन केंद्रों को आपस में तो मिला देता हूँ, बाद में भी हमने मिलाने ही हैं तो मैं इनको पहले ही मिला देता हूँ ताकि हमारे सीधी रेखा पे बन जाएंगे। इस तरह से ये आपका है ए वृत्त का केंद्र और ये है बी वृत्त का केंद्र है। हमने क्या करना है, ये मैं यहाँ पे वृत्त बना रहा हूँ बी पॉइंट पर, जितना वृत्त मैंने बी पे बनाया है उतना ही मैं ए पे भी बना दूंगा। आप कहीं पे भी पहले बनाइए, चाहे ए पे बनाओ चाहे बी पे बनाओ, बनने तो ये बराबर ही है। ये आप देख सकते हैं ये समान वृत्त है, दूर दूर स्थित है। हमने जो हमारे पास ए बी रेखा है इसका हमने समद्विभाजन करना है। इस तरह से हमारा समद्विभाजन हो गया। ये जो पॉइंट आपका आ रहा है ये है ओ, आपने क्या करना है जो ओ और बी है, ओ से बी जितनी रेखा है इसका भी हमने समद्विभाजन करना है। इस तरह से हमने क्या करना है, इसको डॉटेड मिला देना है जहां पे ये पॉइंट हमारा कट रहा है ए बी रेखा पे, इसका नाम हम दे देते हैं यहां पे एन, और हमने ए और ओ को भी विभक्त कर देना है, दो समान भागों में बांटना है हमने ए और ओ जो रेखा आपकी है। यहाँ पे आप एक समांतर रेखा भी ले सकते हो, मैं बाद में बताऊंगा कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से इसको भी हमने विभक्त कर दिया है ये, और जहां पे ये कट रहा है ये हमारा पॉइंट आ गया यहाँ पे P। देखो आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, आप यहां से N पर प्रकार करके ओ जितनी प्रकार खोल के, यदि आप यहां से नीचे से आप अर्धवृत्त बनाते हैं तो ये वाला वृत्त आपको ऊपर से बनाना पड़ेगा, और यदि आप यहां से ऊपर से एक अर्धवृत्त बनाते हैं यहां पे, यहां दो अर्धवृत्त बनेंगे, एक मैं इधर को बना देता हूं जैसे आपकी बुक में है ताकि आप उलझे नहीं, तो आप दोनों साइड बना सकते हैं, फिर दूसरे साइड का आपको इसके अपोजिट बनाना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने ऊपर को बना दिया और जहां पर ये कट रहा है यहां पर ये जो पॉइंट आपका आ रहा है ये आपका पॉइंट है आर। अब यहां पे P पॉइंट पे आपको नीचे को फिर आपको यहां पे अर्धवृत्त बनाना पड़ेगा इस तरह से। बनाने की जरूरत भी नहीं, आप यहां निशान अगर लगा देते हैं क्योंकि हमें तो परिधि पे एक पॉइंट चाहिए होता है, अगर आप अर्धवृत्त ना भी बनाए तो भी चलेगा, सिर्फ आपने यहां पॉइंट, ये पॉइंट हमारा आ जाना चाहिए, ये जो आपका पॉइंट है इस पॉइंट का नाम है एस, आर एस है, आर एस को आपने मिला देना है यहां से ऐसे ये इस तरह से। जो मैं कह रहा था वो मैं ये कह रहा था कि यदि आप
एक का ही संधि भाजन करो और ये आप वृत्त लगा दो, तो यहाँ पे आप डॉटेड लाइन लगा सकते हैं इस तरह से। यहाँ से डॉटेड लाइन लगा दो, इसी के समानांतर रेखा आपने यहाँ पे खींचनी है, ये एस यहाँ, तो भी चल जाएगा एक का ही करके। या फिर जैसे आपने इधर को लगा दिया तो आप ये वाला इधर को लगा दो, ये वाला नीचे को लगा दो, इधर को आपकी आंतरिक स्पर्शरेखा बन जाएगी। दोनों साइड जिधर को मर्जी आप चाहो बना सकते हैं। ये आपका प्रश्न नंबर है 20। अगला आपका है प्रश्न नंबर 21। दो असमान वृत्तों की बाहरी स्पर्श रेखा खींचो जो दूर स्थित हो। देखो दूर स्थित है पर असमान है, मतलब एक वृत्त बड़ा होगा एक वृत्त छोटा होगा। तो मैं पहले इनके केंद्र ले लेता हूं इस तरह से। ये आपका वृत्त ए है, ये बी, बी वृत्त का केंद्र है। तो यहां पे मैं एक वृत्त ले लेता हूं बड़ा बी पर, जैसा कि आपकी बुक में दिया हुआ है। अब कहीं पे भी आप इधर भी बड़ा ले सकते हैं, इधर छोटा ले सकते हैं। यहां पे मैं छोटा वृत्त ले लेता हूं एक। अब ये दो असमान वृत्त बन गए हैं इस तरह से। अब आपने क्या करना है, इनके जो केंद्र आपने मिला रखा है इनका आपने समद्वि भाजन कर देना है इस तरह से। जो रेखा ये केंद्र को मिला करके इसका हम समद्वि भाजन कर रहे हैं। अब जहां पे हमारे पास ये समद्वि भाजन की रेखा कट रही है इस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं ई। अब आपने क्या करना है, ई पॉइंट पर प्रकार करके एक अर्धवृत्त लगाना है। अब आप ई से ए जितनी प्रकार खोलो चाहे बी जितनी प्रकार खोलो। जैसे आपने लगा दिया है, अब हमने क्या करना है, जो आपका ये वृत्त है बड़े वाला वृत्त है, इस वृत्त की जो परिधि है यहां पे हम नाम दे देते हैं आर। अब हमने क्या करना है, जो आपका छोटा वृत्त है इसकी अर्ध परिधि जितनी प्रकार खोलनी है ये, और आपने यहां से यहां पे इसको काट देना है। तो इसका जो सही अर्थ वो है कि जो दोनों वृत्त है, दोनों वृत्त के जो अर्ध व्यास है उनके अंतर के बराबर यहां से हमने सर्कल लगाना है। तो इसका इतना बड़ा है अर्ध व्यास है, इसका छोटा है, तो ये मैंने बड़े वृत्त से छोटे वृत्त का अर्ध व्यास काट दिया है। तो ये जो आपका पॉइंट आ रहा है इस पॉइंट का नाम हम दे देंगे एफ। अब ये अंतर कितना बचा हमारे पास, बी से एफ जितना ये अंतर बचा। यहां से हमने चाप लगानी है इस तरह से, ये जहां पर चाप इस अर्धवृत्त को काट रही है इसका नाम हम दे देते हैं P। वैसे हमारा उद्देश्य इतना ही है कि हमने ये चाप यहां तक लगानी है, नहीं तो आप यहां पे एक छोटा सा सर्कल भी लगा सकते हैं। जैसा आपकी बुक में दिया हुआ है मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लगा रहा हूं, वैसे इसको पूरे सर्कल लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमने ये पॉइंट पता करना है, ये हमारा आ चुका है P, और आपने क्या करना है B और P को मिलाना है यहां से डॉटेड, इसको बाहर तक लेके जाना है इस तरह से। जहां ये बाहर कट रहा है ये पॉइंट आपका आ गया है N। अब आपने क्या करना है, N जहां पे आपका आ रहा है ये आपका है BN, इसी के समानांतर आपने रेखा खींचनी है A से इस तरह से। यहां से आपने रेखा खींचनी है, इसका नाम हम दे देंगे L। अब आपने क्या करना है, N और L इस तरह से दो पॉइंट आ रहे हैं, इनको आपने आपस में मिला देना है डार्क रेखा से, और ये आपकी दो असमान अस्पर्श वृत्तों की बाहरी स्पर्श रेखा है। ये देखिए इस तरह से ये आपका वृत्त जो है बन गए
तैयार हो गया है प्रश्न नंबर 21।